छत्तीसगढ़ इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके व्यापम और पीएससी में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपके आने वाला एग्ज़ाम लेबर इंस्पेक्टर, जिसका एग्ज़ाम 24 जून को है, मात्र आपके पास कितने दिन का समय है? 15 से 16 दिन का समय है। यानी कि आपके पास कितना दिन समय है? 15 से 16 दिन। उसी प्रकार हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में, शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ के इतिहास से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आने के संभावनाएं हैं। अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं लेबर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्या पता आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, जल्दी से जाइए लाइक कीजिएगा। पहली बार आए तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह डेली क्लास कराया जा रहा है, रात 8:30 से 9:30 के बीच में रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके रखिएगा। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज के रूप में, जो कि आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं था? एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कलचुरियों की राजधानी नहीं था, आप बताएंगे सीधा डायरेक्टर जाजलपुर। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताते चल रहा हूँ। वीडियो में आपको एक बार में याद नहीं होता तो वीडियो को दोबारा आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, रिवाइज करके चलिएगा, ठीक है। तो पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक कौन था? तो आपका जाजल्यदेव प्रथम था, ठीक है। कौन था? जाजल्यदेव प्रथम। तीसरा क्वेश्चन है, रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी किस कलचुरी नरेश ने बनाया? तो आपका हो जाएगा रामचंद्र देव ने। मैं आपको टोटल MCQ करा रहा हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो मराठा शासन ने छत्तीसगढ़ में भू राज्यों से संबंधित ताहूतदारी या ताल्लुकेदारी प्रणाली शुरू की, जिसके तहत तरेंगा और लोरमी तालुके बनाए गए। यह प्रणाली क्या थी? तो ये आपका आंसर बी होगा, भू राजस्व के लिए ठेकेदारी प्रणाली। उसी प्रकार किस कलचुरी राजा के समय राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी ये कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको मालूम है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कि किस कलचुरी राजा ने, है ना, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसमें नहीं दिया गया है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, ओके। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में लाखा, एक मिनट ना, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। चलिए यहाँ से देखते हैं, बिंबाजी भोसले द्वारा पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो बिंबाजी भोसले का बस्तर रियासत में संघर्ष किसके ताल्लुके के आधिपत्य को लेकर हुआ था? तो आप सभी को मालूम होगा ये धमतरी जो है ना, सिहा नगरी, उसी को लेकर यहाँ पर जो आधिपत्य हुआ था, संघर्ष हुआ था, यहाँ पर बिंबाजी भोसले के बस्तर रियासत से संघर्ष में हुआ था। तो आपका आ जाएगा सिहावा धमतरी। तो 1942 में, आप याद रखिएगा, 1942 में रायपुर संयंत्र केस के नायक कौन थे? तो आपका हो जाएगा परशुराम सोनी जी। परशुराम सोनी जी है, कौन है? तो 1942 में जो षडयंत्र हुआ था उसके नायक है परशुराम सोनी जी, ठीक है। तो इसमें आंसर नहीं दिया गया हो, चलिए देखते हैं, बिलख नारायण, राम नारायण, वासुदेव, नरसिंह है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें ऑप्शन परशुराम सोनी नहीं दिया है, मतलब इसका आंसर ई होगा, ठीक है। तो आप सभी को मालूम होगा जो परशुराम सोनी जी है 1942 में रायपुर षडयंत्र के क्षेत्र में उसके नायक थे और उनके साथी भी थे, ठीक है। चलिए अब छत्तीसगढ़ में 1940 में आयोजित व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रह कौन थे? तो इसमें भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसके प्रथम सत्याग्रह कौन थे, ठीक है। इसका आंसर ई है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग को मालूम होगा तो छत्तीसगढ़ में 1940 में आयोजित व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? मैं इसलिए यह क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि यह आपके व्यापम और पीएससी में बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह अन्य जो तैयारी कर रहे हैं उसको लाभ मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्व, जो विषय के बारे में असत्य है तो वो भी, चलिए मिनी माता श्रमिक आंदोलन बिल्कुल सही है लेकिन असत्य पूछा गया ना, तो वामन राव लाखे बिल्कुल गलत है क्योंकि सहकारी आंदोलन ये बिल्कुल असत्य है उसके क्षेत्र के बारे में, क्योंकि खूबचंद बघेल जो है कृषि आंदोलक थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा आयुष पुस्तक निवारक था,
माधवराव जो है पत्रकारिता था, लेकिन इसका आंसर बी होगा। ठीक है, क्या होगा? बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 1994 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का संकल्पना का विधान प्रस्तुत किसने किया था? तो ये आपका चौबे जी ने किया था। किसने किया था? चौबे जी ने। तो आपको दिखाई देगा रविंद्र चौबे, आंसर बी हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद का सदस्य रहा है? तो आपका राघवेंद्र राव है। ठीक है, राघवेंद्र राव जी है, इसको याद रखना, आपके आंसर हो जाएगा राघवेंद्र राव, आंसर डी। चलिए, ठाकुर प्यारेलाल ने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राष्ट्रवाद के जागरण के लिए किस वर्ष की है? तो ये आपका आ जाएगा 1909 में किया है। ठीक है, उसके बाद हम कल देखेंगे छत्तीसगढ़ से, है ना, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपका नदिया वगैरह से। ठीक है, नदिया वगैरह से, जलप्रपात वगैरह से कल क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की नदियाँ, जलप्रपात, देवरानी जेठानी मंदिर, जितना भी मंदिर वगैरह से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तीरथगढ़, जलप्रपात वगैरह से सब पढ़ेंगे कल के क्लासेस में। ठीक है, वीडियो पर बने रहिएगा, कल हम लाएंगे पार्ट टू वीडियो, जिसमें आपको पार्ट टू वीडियो में रिवाइसेस रहेगा आपका, जलप्रपात वगैरह, नदियाँ वगैरह से, मंदिर वगैरह से, तीर्थ स्थल वगैरह से, पूरा पर्यटन स्थल से क्वेश्चन देखेंगे कल के क्लास में एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में ऐसे आएगा, 3 से 4 नंबर वहीं से आता है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ। कल का वीडियो देखना है तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन मिलेगा आपको कल ही मिलेगा ना, जो सब्सक्राइब किए रहेंगे उसी को मिलेगा, और वीडियो को लाइक करके चलिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, देखिए जो लोग वीडियो को लाइक करेंगे उसी को फल मिलेगा भाई, है ना, जो क्लासेस कर रहे हैं, डेली क्लास कर रहे हैं, उन बच्चों से पूछ लेना। कंडल नहर सत्याग्रह में कौन सा संबंधित नहीं है? तो छेदीलाल संबंधित नहीं, क्योंकि देखिए नारायण राव मेघावाले, सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, तीनों जो है आपका कंडल नहर सत्याग्रह से संबंधित है, जबकि यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो छेदीलाल श्रीवास्तव होगा। ठीक है, अरिमंदर गिरी का संबंध किस जंगल से था? जो अरिमंदर गिरी है ना आपका लभरा, और लभरा कहाँ है आपका? महासमुंद जिला में, महासमुंद जिला के आसपास वहीं पर है लभरा, है ना, लभरा नहीं है भाई, लभरा है। वेरी गुड। चलिए, इसका आंसर बताइए, किस रतनपुर के शासक ने मुस्लिम रतनपुर मस्जिद का निर्माण करवाया था? ये आपका बिंबाजी भोसले हो सकता है। चलिए देखते हैं, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, भास्कर पंत, बिंबाजी भोसले, देखिए ये आएगा आपका डी आंसर। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन असत्य कथन पर बताइए, छोड़ दीजिएगा इसको, इसको देखिएगा, मराठा राजस्व कर विजय वस्तु का सत्य है, तो ये आपका हो जाएगा सेवई आयात निराश, ये आपका हो जाएगा सेवई। ठीक है, आंसर ई होगा। ओके, मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा जो है, जो आपके सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र में अनेक परगनों में विभाजित किया गया था, परगने का प्रमुख अधिकारी कौन है? तो कम विजदार, कौन है? कम विजदार, बिल्कुल सही है, जो मराठा जो 1790 में जो शासन सुविधा हुआ था उसी के लिए। अब 1000 ईस्वी में कलचूरी राजवंश के कलिंग राज्य में राजधानी कहाँ? ये आप क्लास देखा है कि नहीं देखा है? ये अगर क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे है। जो 1000 कलचूरी है ना आपका, तुमार आएगा, दक्षिण कौशल के कजूरों के समकालीन वस्त्र राजवंश था कौन है? तो इसका आंसर आपका छिंदक नागवंश है, कौन से? छिंदक नागवंश से। चलिए, कलचूरी शैली का जो 11वीं-12वीं शताब्दी में बना था भंडाल देव मंदिर, जो अपनी एकमात्र मंदिर है, कहाँ स्थित है? आरंग में है। कहाँ है आरंग, याद रखना, भंडाल देव मंदिर आरंग में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रमुख और उनकी विशेषताएं देखते हैं, तो एडमंड, चलिए देखते हैं, एगन्यू रतनपुर की राजधानी है, बिल्कुल गलत, एडमंड प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था, तो बिल्कुल सही है, इसको याद रखना, जो एडमंड है प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर है, बाकी सब गलत है। चलिए, निम्न में से किसका संबंध जो है छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन से नहीं है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तारापुर जनजाति विद्रोह, विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं तो कल देखेंगे इसका भी, कल आपका रहेगा 9:30 बजे की क्लास में विद्रोह वगैरह से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो तारापुर जनजाति विद्रोह 1842 में भोपाल देव के समय, तो इस विद्रोह का नायक कौन था? तो इस विद्रोह का नायक कौन था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी का प्रथम उद्देश्य, इसको छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। गेंद सिंह परलकोट, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना, जनजाति वगैरह से विद्रोह से ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, विद्रोह से,
हाँ विद्रोह से हम कल क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है, बिना रहेगा वीडियो पर, हम कल लाएंगे क्वेश्चन विद्रोह से। तो गेंद सिंह के परलकोट विद्रोह के समय, मान लीजिएगा गेंद सिंह है, उसके परलकोट के विद्रोह के समय ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, तो कैप्टन एगन्यू था, कैप्टन एगन्यू। ये सभी पढ़ लेना एक बार, है ना, ये आप लोग एक बार देख लेना बुक से, बुक का नाम बता दे रहा हूँ, एच आर हरिराम पटेल, या फिर लुसेंट का एक बुक आता है छत्तीसगढ़ का, उसमें आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो गेंद सिंह जो परलकोट विद्रोह है, कैप्टन एडवन कैप्टन, ये जितने भी सभी दिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये देखिए विद्रोह से, जनजाति विद्रोह और नायक असर, एग्जाम में बार बार पूछता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कल के क्लासेस में आपके लिए विद्रोह से क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। विद्रोह वगैरह से, और क्या मैं बोला था, जनजाति विद्रोह से बोला था, विद्रोह वगैरह से, ठीक है। उसी प्रकार आपको पर्यटन स्थल है ना, और क्या बोला था आपको, मंदिर वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में कल के वीडियो में लाएंगे, पूरा आपके लिए आधा घंटा से एक घंटे का, चलिए मान लीजिए एक घंटे का वीडियो रहता है, पूरा एक घंटे कल का वीडियो आप पूरा देख लो, पूरा देख लो, रट्टा मान लो, कल का क्लासेस जो रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बिल्कुल टाइम टू टाइम क्लास अटेंड किया जाता है, आप लोगों का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, लेकिन कल जो है आपका मेगा एपिसोड रहेगा, मेगा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो बिल्कुल सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह, मान लीजिएगा छत्तीसगढ़ है, उसमें जनजाति विद्रोह, नायक असत्य है, तो आपको मेरिया विद्रोह जो नागुल दौला, ठीक है, ये बिल्कुल भी होगा, क्योंकि देखिए हलवा विद्रोह अजमेर में है, लिंगागिरी विद्रोह ध्रुवा, ये सभी हम कल के क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ में किस ब्रिटिश अधिकारी ने भू राजस्व प्रणाली सुधारने का अधिकरण किया था, ये कैप्टन एगन्यू है, कहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन ए बी है क्या, चलिए ऑप्शन बी होगा। 1819 में सोना खान विद्रोह किस, जिसका राम रायन था, अंत में किसका हुआ था, कैप्टन मैक्सन का। और रायपुर में सैन्य विद्रोह के नायक कौन थे, कमेंट ना करें ना, बिल्कुल यहाँ पर रायपुर सैन्य विद्रोह था आपका हनुमान सिंह है, ठीक है। किस स्वतंत्रता सेनानी को ब्रिटिश सरकार ने मध्य प्रदेश, एक मिनट ना, यहाँ फालतू का कमेंट ना करें, मैं ब्लॉक कर दूंगा, जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित जो आपको बंदी बनाकर रखा गया था ना, उसके सुरेंद्र सहाय थे, वीर स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र सहाय, पहला कौन था, ये आपका दूसरा है। तो चलिए आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है, ठीक है। महासमुंद की, देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया, ये तो बार बार एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, रट लो ना, रट लो। महासमुंद की किस 18 वर्षीय युवती ने, जो 18 वर्ष की जो लड़की थी, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक अधिकारी को थप्पड़ मारा था, कौन है, दयावती, याद रखना, दया भी किया था और थप्पड़ भी लगाया था, है ना, तो ऐसा याद करना। महासमुंद की 18 वर्षीय युवती है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक अधिकारी को इतना जोरदार थप्पड़ मारा था ना, वहीं पर गिर गया था, वो है दयावती, ठीक है, याद रखना। अब 1910, ये जो आपका 1910 है भूमकाल विद्रोह, ठीक है, 1910 है जो भूमकाल विद्रोह है, जो बस्तर राज्य का दीवान था आपका, भूमकाल विद्रोह आएगा, भूमकाल विद्रोह इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, भूमकाल विद्रोह है। 1910 में राष्ट्रबंधु जो आप, एक मिनट ना, जो आपका होगा 1910 में राष्ट्रबंधु नामक पत्रिका किसने लिखा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। और उसी बार 1910 में बस्तर आदि विद्रोह के नेता कौन है, तो लाल कालिंद्र रानी सुमार, ये जितने भी है सभी हैं, ठीक है। चलिए आप लोग अब कमेंट करने स्टार्ट कीजिएगा, सभी के लिए प्रश्न था, तो निम्नलिखित कौन सा जोड़िए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जंगल सत्याग्रह क्वेश्चन भी देखेंगे क्या, पार्ट थ्री वीडियो में लाएंगे इसको, ठीक है, ये आपका पार्ट वन वीडियो चल रहा है, जो रिवाइसेस क्लास चल रहा है, तो पार्ट टू वीडियो में आपको मैं बताया हूँ कि जलप्रपात वगैरह से, मंदिर वगैरह से, है ना जी, विद्रोह वगैरह से क्वेश्चन देखेंगे, अब पार्ट थ्री वीडियो में आपका जंगल सत्याग्रह वगैरह से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो आप एग्जाम में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ इतिहास वगैरह से, सन वाला देखेंगे, जो स्वतंत्रता हुआ था उसी के टाइम, क्या बोलते हो, कमेंट करके बताओ। हाँ चलिए ठीक है, आज के लिए इतना की रखे, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर रुद्री नौगांव धमतरी, वैसे तमोरा महासमुंद कटघोरा कोरबा, कहाँ पूछा गया, सुमेलित नहीं है पूछा गया ना, तो देखिए जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि रुद्री नौगांव धमतरी बिल्कुल सही है, तमोरा महासमुंद के पास स्थित है, कटघोरा कोरबा, जबकि गट्ठा सिल्ली जांजगीर चांपा बिल्कुल गलत है, ये गट्ठा सिल्ली जांजगीर चांपा नहीं है भैया, छत्तीसगढ़ में है, यहीं पास में है ना, महासमुंद के आसपास, तो इसका आंसर बिल्कुल गलत होगा ये, तो आप सभी के लिए ये गट्ठा सिली जो है डिलीट कर दीजिएगा ना, कट कर दीजिएगा, ये रुद्री नौगांव धमतरी में है, महासमुंद तमोरा है, कटघोरा कोरबा में है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है पूछा गया ना, बिल्कुल नहीं है पूछा गया, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पार्ट टू वीडियो चाहते हो तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि सर आप पार्ट टू वीडियो लाएं जिसमें मंदिर वगैरह, तीर्थ वगैरह और जंजगीर वगैरह, ठीक है, और जनजातीय विद्रोह वगैरह क्वेश्चन देखेंगे फिर पार्ट टू वीडियो में। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा जो लोग नए हैं वो लोग। ठीक है, थैंक्स। चलिए एक बात और है कि जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जा रहा है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे